प्रभात ने समर्थ को फोन किया ताकि वो काजल को ढूंढकर वापस घर ला सके, क्योंकि काजल का बच्चा बीमार था और काजल पार्टी करने क्लब में गई थी। समर्थ काजल के पीछे जाना नहीं चाहता था, वो बस उसके बच्चे के लिए उसे ढूंढने के लिए निकल गया। समर्थ ने प्रभात के बताए हुए क्लब को ढूंढ लिया और अब वो गाड़ी से उतरकर सीधा अंदर गया। उसने जाते ही काजल को ढूंढने के लिए अपनी नजरें दौड़ाते हुए कहा, ये छोरी कठे गई। उसे कोने में काजल दिखी जो अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करते हुए डांस कर रही थी। काजल ने ड्रिंक करते हुए अपने दोस्तों से कहा, लेट्स डांस बेबी डांस। वो नशे में चूर थी और बेतुका डांस कर रही थी। उसकी ऐसी हरकतों पर उसे गुस्सा आ रहा था। वो झट से उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर गुस्से में बोला, तू अठे के कर रही है? अरे मिनिस्टर साहब, आप यहाँ मेरे लिए आए हैं? हाउ स्वीट माय हबी, आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। देखा फ्रेंड्स, मेरे स्वीट हबी मुझे ढूंढते हुए यहाँ भी आ गए। दैट्स व्हाई आई लव हिम एंड ही आल्सो लव्स मी, काजल ने अपनी नशीली आवाज में कहा। वही दूसरी तरफ रुद्र की नजर समर्थ पर पड़ चुकी थी। वो बौखलाते हुए बोला, नाउ द पार्टी विल डेफिनेटली बी स्पॉइल्ड, हुकुम सा आ गए हैं यहाँ पर। उसके बात सुनकर उसके साथ डांस कर रहे तपस्या और डीजे की नजर भी समर्थ पर चली गई। वो लोग सिया के लिए परेशान हो गए थे। तपस्या ने समर्थ पर कुड़ते हुए कहा, हुकुम सा इस लड़की के लिए यहाँ आए हैं? छी, डीजे बौखलाते हुए बोला, हमें सिया को यहाँ से ले जाना होगा। तभी रुद्र ने उसे रोकते हुए कहा, डीजे अब बहुत देर हो चुकी है, सिया को देखो। उसने सिया की ओर इशारा किया तो सब उसकी ओर देखने लगे। वो समर्थ को देख रही थी, उसकी आंखों में नमी आ चुकी थी। समर्थ ने गुस्से में काजल से कहा, थारे को शर्म नहीं आती? थारा बच्चा घर पर बीमार है और तू अठे अपने दोस्तों के साथ ये सब कर रही है? उसकी बात सुनकर काजल मुस्कुराते हुए बोली, माय स्वीट हबी, आप गुस्से में भी कितने हॉट लगते हैं। उसके मुंह से हॉट वर्ड सुनकर समर्थ को सिया की याद आई और उसने अचानक से उस तरफ देखा जहां पर सिया उसे ही देख रही थी। उसे देखकर समर्थ हक्का बक्का रह गया था। उसकी आंखें सिया पर ही जम गई थी। उसकी नम आंखों को देखकर समर्थ का सारा गुस्सा दर्द में बदल गया। वही सिया के पीछे खड़े केशु, रणविजय, डीजे, रुद्र और तपस्या भी समर्थ को देख रहे थे। काजल समर्थ को देखते हुए नशीली आवाज में बोली, माय स्वीट हबी, देखिए मैंने कितनी अच्छी ड्रेस पहनी है, क्या आपको पसंद आई है? ये इस ड्रेस का रेड कलर आपका फेवरेट है ना? उसके बात सुनकर समर्थ ने गुस्से में कहा, अपनी हद में रह छोरी और चल अठे से। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे पार्टी करनी है, काजल ने मना करते हुए कहा, जिसे देखकर समर्थ को और भी ज्यादा गुस्सा चढ़ गया। उसने काजल का हाथ पकड़कर गुस्से में कहा, तू खुद चल रही है या मैं अपने तरीके से तने अठे से लेकर जाऊं? आपको जो करना है कर लीजिए, मैं नहीं जाने वाली, मुझे पार्टी करनी है और बहुत सारा डांस करना है, काजल ने मुंह बनाते हुए कहा। समर्थ को उसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ ये सब देखकर सिया रोने लगी, उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे थे। डीजे ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, सिया तुम चलो यहाँ से, जिसे देखकर डीजे उसे एक तरफ ले गया। सिया के बाकी दोस्त भी उसके पीछे चले गए। सिया ने रोते हुए कहा, डीजे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्या मेरे नसीब में सच में प्यार नहीं लिखा? समर्थ जी ऐसे कैसे किसी और से शादी कर सकते हैं? डीजे और उसके दोस्त उसको संभालने की कोशिश कर रहे थे कि तभी सिया की नजर समर्थ पर पड़ी, जो काजल को अपनी गोद में उठाकर वहां से जबरदस्ती ले जा रहा था। ये सब देखकर अब सिया को गुस्सा चढ़ गया। उसने गुस्से में चीखते हुए कहा, स्टॉप द म्यूजिक, बंद करो ये सब। उसकी आवाज सुनकर केशु ने म्यूजिक बंद करवा दिया और सिया को समझाते हुए बोला, रिलैक्स सिया रिलैक्स, मुझे लगता है कि अब हमें घर चलना चाहिए। डीजे चलो, हमें सिया के साथ चलना चाहिए। डीजे और केशु बाकी दोस्तों से मिलकर सिया को लेकर वहां से बाहर पार्किंग एरिया में केशु की गाड़ी के पास आए। वहां पर एक काले रंग की गाड़ी खड़ी हुई थी जो कि केशु की गाड़ी से कुछ दूर पीछे खड़ी हुई थी। उसमें एक शख्स ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था और उसके पीछे ही एक और शख्स बैठा हुआ था। ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स की शर्ट के ऊपर वाले बटन खुले हुए थे, जिस कारण उसकी चेस्ट दिखाई दे रही थी।
उसकी चेस्ट पर एस अल्फाबेट का एक टैटू बना हुआ था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो चाकू जैसी किसी नुकीली चीज से बनाया गया है। दूसरे शख्स ने केशु की गाड़ी को देखते हुए टैटू वाले शख्स से कहा, राजकुमारी सिया सिंह शेखावत, तुम बड़ी आई शेखावत महल के हादसे की साजिश का पर्दाफाश करने वाली। अपने पति के खिलाफ रची इस काजल नाम की साजिश को तो समझ भी नहीं पा रही, हमारे खिलाफ क्या खाक सबूत ढूंढोगी? इसको इसकी औकात याद दिलानी होगी कि ये एक औरत है और इसे औरत की तरह घर परिवार संभालना चाहिए। औरत की असली जगह मर्द के बिस्तर पर है, इसे तो मैं इसकी असली जगह पहुंचा कर रहूंगा। ऐसा बोलते हुए टैटू वाले शख्स ने अपना टैटू छुआ, जिसे देखकर उसके साथ वाला शख्स तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, लगता है कि अब समय आ गया अपने मोहरों को इस खेल में उतारने का। केशु अपनी गाड़ी में सिया और डीजे को लेकर वहां से शेखावत मेंशन की ओर निकल पड़ा। उनके पीछे ही वो काली गाड़ी भी निकल पड़ी। रणविजय ने गुस्से में मुट्ठी भींचते हुए कहा, ठाकुर समर्थ सिंह राठौड़, आपने सिया को धोखा देकर अच्छा नहीं किया, आपको तो अब मैं छोड़ूंगा नहीं। वो गुस्से में समर्थ के पीछे जाने लगा तो तपस्या और रुद्र ने उसे रोक लिया। तपस्या ने उसे रोकते हुए सवाल किया, कहां जा रहे हो आप कुंवर सा? ठाकुर समर्थ से सवाल करने कि क्यों उन्होंने सिया के साथ ऐसा किया? रणविजय ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, जिसे सुनकर तपस्या और रुद्र को उसकी भी चिंता होने लगी। रुद्र ने उसे समझाते हुए कहा, रणविजय अभी ये सब सवाल करने का सही समय नहीं है, उनसे तुम्हें बात करनी है तो आराम से करना, अभी तपस्या के साथ घर जाओ। हाँ कुंवर सा घर चलिए, कल हम खुद आपके साथ नागौर चलेंगे हुकुम सा से बात करने, तपस्या ने ऐसे बोलकर उसे समझाया, जिसके बाद वो गुस्से में समर्थ पर कुड़ते हुए तपस्या के साथ वापस जोधपुर के लिए निकल गया। रुद्र भी अपने घर के लिए निकल गया। दूसरी तरफ समर्थ भी काजल को लेकर गौर निवास पहुंच चुका था। वो उसको गाड़ी से उतार कर हाथ पकड़कर घर के अंदर लेकर आया। इस समय प्रभात गौर घर के हॉल में ही था और बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। समर्थ ने आते ही काजल को उसकी तरफ धकेलते हुए कहा, संभालो अपनी बिगड़ेल छोरी को। उसके ऐसा करने से काजल गिरने वाली थी, लेकिन प्रभात गौर ने उसे संभाल लिया। वो समर्थ पर बिगड़ते हुए बोला, हुकुम सा माना कि मेरी बेटी गलत है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप इसके साथ ऐसा बर्ताव करोगे, ये आपकी पत्नी है। समर्थ ने उसे उंगली दिखाते हुए गुस्से में कहा, अभी तो मैंने थारी छोरी के साथ कुछ भी नहीं किया, पर अगर इसने मारे को ऐसे ही फिर गुस्सा दिलाया तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, जिसका अंदाजा तू अपने सपने में भी नहीं लगा सकता। उसकी बात सुनकर प्रभात गौड़ ने भी गुस्से में कहा, आप मेरी बेटी के साथ जो बर्ताव कर रहे हो ना, अगर इसके बारे में मीडिया को खबर लग गई तो देखना आपके साथ क्या होता है, आपकी मिनिस्टर की कुर्सी चुटकी में आपसे छिन जाएगी। समर्थ ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, धमकी देने की कोशिश भी मत करना प्रभात गौर, क्योंकि मैं कुछ भी करने से पहले धमकी नहीं देता, अगर मैंने अपना मुंह मीडिया के सामने खोल दिया ना तो थारी इस बिगड़ेल छोरी के साथ साथ थारी इज्जत की भी धज्जियां उड़ जाएंगी। मैंने बस थारी छोरी के बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाकर रिपोर्ट मीडिया तक पहुंचानी है, फिर तू और थारी छोरी किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, समझा? इतना बोलकर समर्थ वहां से चला गया। दूसरी तरफ डीजे और केशु सिया को शेखावत मेंशन ले आए थे। वो दोनों सिया के साथ घर के अंदर हॉल में आए तो उन्होंने देखा कि यशोदा और शिव अभी हॉल में ही थे। उन्हें रुद्र ने फोन करके क्लब में जो भी हुआ सब बता दिया था, जिसे सुन वो काफी परेशान थे। जब यशोदा ने सिया को देखा तो झट से उसके पास आकर बोली, बेटा तुम ठीक हो? उसको देखकर सिया ने मुंह बनाते हुए कहा, आपको मेरे ठीक होने या ठीक ना होने से कोई फर्क पड़ता है क्या दादी सा? उसकी बात सुनकर यशोदा कुछ बोलने को ही तो सिया वहां से अपने कमरे में चली गई। उसके जाते ही केशु ने यशोदा से कहा, राजमाता वो थोड़े गुस्से में है, आप उसकी बात का बुरा मत मानिएगा, वो एक्चुअली क्लब में जो भी हुआ उसके बारे में हमें पता चल गया है केशु, रुद्र ने फोन किया था। शिव ने केशु की बात काटते हुए कहा। यशोदा ने शिव का साथ देते हुए कहा, हाँ बेटा, और मुझे पता है कि उसका गुस्सा सही भी है, मैं उसे सब समझा दूंगी, फिलहाल तुम दोनों भी जाकर अपने अपने कमरे में आराम करो। वो दोनों अपने अपने कमरे में चले गए, यशोदा भी अपने कमरे में चली गई। अगले दिन समर्थ एक स्कूल में आया था। वो इस समय स्कूल ऑडिटोरियम में स्टेज के सामने बैठा हुआ था।
और उसके साथ स्कूल का प्रिंसिपल बैठा हुआ था। स्टेज पर कुछ बच्चे डांस प्रैक्टिस कर रहे थे। स्कूल में कुछ दिनों में चिल्ड्रंस डे पर एक फंक्शन रखा गया था जिसकी तैयारियां चल रही थी, जिसका चीफ गेस्ट बनकर समर्थ आने वाला था, पर आज वो फंक्शन की तैयारियां देखने वहां आया था। उसके बॉडीगार्ड्स ऑडिटोरियम के बाहर खड़े हुए थे। वो बच्चों की डांस प्रैक्टिस देख रहा था कि तभी कुछ बच्चे दौड़ते हुए उसके सामने से स्टेज के ऊपर जाने लगे कि तभी उनमें से एक बच्चा लड़खड़ा गया। उस बच्चे को कोई नुकसान पहुंचता उससे पहले ही समर्थ ने उसे संभालते हुए कहा, संभल कर छोरा, प्रिंसिपल ने उस बच्चे को डांटते हुए कहा। शिवांग, ये क्या तरीका है स्टेज पर आने का? ऐसे दौड़ कर कौन चढ़ता है स्टेज पर? अगर तुम्हें चोट लग जाती तो? वो बच्चा यानी शिवांग अभी भी समर्थ की गोद में ही था, लेकिन अब उसका मुंह उतर गया था। समर्थ ने जब उसको ध्यान से देखा तो शिवांग के प्यारे से चेहरे पर मासूमियां झलक रही थी। वो बच्चा बस 4 साल का था। समर्थ ने प्रिंसिपल को देखते हुए कहा, जाने दीजिए प्रिंसिपल सर, बच्चा है। छोरा, सॉरी बोल दे सर को, शिवांग मासूमियत से बोला। सॉरी प्रिंसिपल सर, समर्थ की बात मानकर प्रिंसिपल ने उसे माफ करते हुए कहा। अब जाओ स्टेज पर। समर्थ शिवांग को स्टेज पर लेकर आया और उसको नीचे उतारकर मुस्कुराते हुए बोला, अब ध्यान से प्रैक्टिस करना, समझा? वो अभी शिवांग से बात कर ही रहा था कि तभी स्टेज पर प्रैक्टिस कर रहे बच्चों में से एक बच्चे ने उसे पुकारा, शिवांग यहाँ आओ, हमें साथ में प्रैक्टिस करनी है। उस बच्चे की आवाज सुनकर समर्थ ने जब उस बच्चे की ओर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। दूसरे बच्चे की उम्र भी 4 साल की थी। उसकी आंखें छोटी छोटी और काले रंग की थी। उसकी पलकें बड़ी बड़ी और हल्की सुनहरी काले बाल थे जो उसके माथे तक आ रहे थे। समर्थ ने हड़बड़ाते हुए शिवांग से पूछा, ये कौन है छोरा? शिवांग ने उसे जवाब देते हुए कहा, ये मेरा भाई है, मेरी बुआसा का बेटा, इसका नाम युवराज है। उसकी बात सुनकर समर्थ ने खुद से मन में सवाल किया, कौन है ये युवराज? मणे ऐसा क्यों लग रहा है कि मणे इसे पहले भी कहीं देखा है? क्यों लग रहा है समर्थ को वो बच्चा जाना पहचाना? क्या रिश्ता है समर्थ का उस बच्चे से? कौन है वो शख्स जो रख रहा है सिया पर नजर? जानने के लिए सुनते रहिए भारी चांद कवर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। प्रभात ने समर्थ को फोन किया ताकि वो काजल को ढूंढकर वापस घर ला सके, क्योंकि काजल का बच्चा बीमार था और काजल पार्टी करने क्लब में गई थी। समर्थ काजल के पीछे जाना नहीं चाहता था, वो बस उसके बच्चे के लिए उसे ढूंढने के लिए निकल गया। समर्थ ने प्रभात के बताए हुए क्लब को ढूंढ लिया और अब वो गाड़ी से उतरकर सीधा अंदर गया। उसने जाते ही काजल को ढूंढने के लिए अपनी नजरें दौड़ाते हुए कहा, ये छोरी कठे गई। उसे कोने में काजल दिखी जो अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करते हुए डांस कर रही थी। काजल ने ड्रिंक करते हुए अपने दोस्तों से कहा, लेट्स डांस बेबी डांस। वो नशे में चूर थी और बेतुका डांस कर रही थी। उसकी ऐसी हरकतों पर उसे गुस्सा आ रहा था। वो झट से उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर गुस्से में बोला, तू अच्छे के कर रही है? अरे मिनिस्टर साहब, आप यहाँ मेरे लिए आए हैं? हाउ स्वीट माय हबी, आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। देखा फ्रेंड्स, मेरे स्वीट हबी मुझे ढूंढते हुए यहाँ भी आ गए। दैट्स व्हाई आई लव हिम एंड ही आल्सो लव्स मी, काजल ने अपनी नशीली आवाज में कहा। वही दूसरी तरफ रुद्र की नजर समर्थ पर पड़ चुकी थी। वो बौखलाते हुए बोला, नाउ द पार्टी विल डेफिनेटली बी स्पॉइल्ड, हुकुम सा आ गए हैं यहाँ पर। उसके बाद सुनकर उसके साथ डांस कर रहे तपस्या और डीजे की नजर भी समर्थ पर चली गई। वो लोग सिया के लिए परेशान हो गए थे। तपस्या ने समर्थ पर कुड़ते हुए कहा, हुकुम सा इस लड़की के लिए यहाँ आए हैं? छी, डीजे बौखलाते हुए बोला, हमें सिया को यहाँ से ले जाना होगा। तभी रुद्र ने उसे रोकते हुए कहा, डीजे अब बहुत देर हो चुकी है, सिया को देखो। उसने सिया की ओर इशारा किया तो सब उसकी ओर देखने लगे। वो समर्थ को देख रही थी, उसकी आंखों में नमी आ चुकी थी। समर्थ ने गुस्से में काजल से कहा, थारे को शर्म नहीं आती? थारा बच्चा घर पर बीमार है और तू अट्ठे अपने दोस्तों के साथ ये सब कर रही है? उसकी बात सुनकर काजल मुस्कुराते हुए बोली, माय स्वीट हबी, आप गुस्से में भी कितने हॉट लगते हैं। उसके मुंह से हॉट वर्ड सुनकर समर्थ को सिया की याद आई।
और उसने अचानक से उस तरफ देखा जहां पर सिया उसे ही देख रही थी। उसे देखकर समर्थ हक्का बक्का रह गया था। उसकी आंखें सिया पर ही जम गई थी। उसकी नम आंखों को देखकर समर्थ का सारा गुस्सा दर्द में बदल गया। वहीं सिया के पीछे खड़े केशु, रणविजय, डीजे, रुद्र और तपस्या भी समर्थ को देख रहे थे। काजल समर्थ को देखते हुए नशीली आवाज में बोली, माई स्वीट हबी, देखिए मैंने कितनी अच्छी ड्रेस पहनी है, क्या आपको पसंद आई है ये? इस ड्रेस का रेड कलर आपका फेवरेट है ना? उसके बाद सुनकर समर्थ ने गुस्से में कहा, अपनी हद में रह छोरी और चल अठे से। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे पार्टी करनी है, काजल ने मना करते हुए कहा, जिसे देखकर समर्थ को और भी ज्यादा गुस्सा चढ़ गया। उसने काजल का हाथ पकड़कर गुस्से में कहा, तू खुद चल रही है या मैं अपने तरीके से तने अठे से लेकर जाऊं? आपको जो करना है कर लीजिए, मैं नहीं जाने वाली, मुझे पार्टी करनी है और बहुत सारा डांस करना है, काजल ने मुंह बनाते हुए कहा। समर्थ को उसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ ये सब देखकर सिया रोने लगी, उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे थे। डीजे ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, सिया तुम चलो यहाँ से, जिसे देखकर डीजे उसे एक तरफ ले गया। सिया के बाकी दोस्त भी उसके पीछे चले गए। सिया ने रोते हुए कहा, डीजे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, क्या मेरे नसीब में सच में प्यार नहीं लिखा, समर्थ जी ऐसे कैसे किसी और से शादी कर सकते हैं? डीजे और उसके दोस्त उसको संभालने की कोशिश कर रहे थे कि तभी सिया की नजर समर्थ पर पड़ी, जो काजल को अपनी गोद में उठाकर वहां से जबरदस्ती ले जा रहा था। ये सब देखकर अब सिया को गुस्सा चढ़ गया। उसने गुस्से में चीखते हुए कहा, स्टॉप द म्यूजिक, बंद करो ये सब। उसकी आवाज सुनकर केशु ने म्यूजिक बंद करवा दिया और सिया को समझाते हुए बोला, रिलैक्स सिया, रिलैक्स, मुझे लगता है कि अब हमें घर चलना चाहिए। डीजे चलो, हमें सिया के साथ चलना चाहिए। डीजे और केशु बाकी दोस्तों से मिलकर सिया को लेकर वहां से बाहर पार्किंग एरिया में केशु की गाड़ी के पास आए। वहां पर एक काले रंग की गाड़ी खड़ी हुई थी, जो कि केशु की गाड़ी से कुछ दूर पीछे खड़ी हुई थी। उसमें एक शख्स ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था और उसके पीछे ही एक और शख्स बैठा हुआ था। ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स की शर्ट के ऊपर वाले बटन खुले हुए थे, जिस कारण उसकी चेस्ट दिखाई दे रही थी। उसकी चेस्ट पर एस अल्फाबेट का एक टैटू बना हुआ था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो चाकू जैसी किसी नुकीली चीज से बनाया गया है। दूसरे शख्स ने केशु की गाड़ी को देखते हुए टैटू वाले शख्स से कहा, राजकुमारी सिया सिंह शेखावत, तुम बड़ी आई शेखावत महल के हादसे की साजिश का पर्दाफाश करने वाली, अपने पति के खिलाफ रची इस काजल नाम की साजिश को तो समझ भी नहीं पा रही, हमारे खिलाफ क्या खाक सबूत ढूंढोगी? इसको इसकी औकात याद दिलानी होगी कि ये एक औरत है और इसे औरत की तरह घर परिवार संभालना चाहिए। औरत की असली जगह मर्द के बिस्तर पर है, इसे तो मैं इसकी असली जगह पहुंचा कर रहूंगा। ऐसा बोलते हुए टैटू वाले शख्स ने अपना टैटू छुआ, जिसे देखकर उसके साथ वाला शख्स तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, लगता है कि अब समय आ गया अपने मोहरों को इस खेल में उतारने का। केशु अपनी गाड़ी में सिया और डीजे को लेकर वहां से शेखावत मेंशन की ओर निकल पड़ा। उनके पीछे ही वो काली गाड़ी भी निकल पड़ी। रणविजय ने गुस्से में मुट्ठी भींचते हुए कहा, ठाकुर समर्थ सिंह राठौड़, आपने सिया को धोखा देकर अच्छा नहीं किया, आपको तो अब मैं छोड़ूंगा नहीं। वो गुस्से में समर्थ के पीछे जाने लगा तो तपस्या और रुद्र ने उसे रोक लिया। तपस्या ने उसे रोकते हुए सवाल किया, कहाँ जा रहे हो आप कुंवर सा? ठाकुर समर्थ से सवाल करने कि क्यों उन्होंने सिया के साथ ऐसा किया, रणविजय ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, जिसे सुनकर तपस्या और रुद्र को उसकी भी चिंता होने लगी। रुद्र ने उसे समझाते हुए कहा, रणविजय अभी ये सब सवाल करने का सही समय नहीं है, उनसे तुम्हें बात करनी है तो आराम से करना, अभी तपस्या के साथ घर जाओ। हाँ कुंवर सा, घर चलिए, कलम खुद आपके साथ नागौर चलेंगे हुकुम सा से बात करने, तपस्या ने ऐसे बोलकर उसे समझाया, जिसके बाद वो गुस्से में समर्थ पर कुड़ते हुए तपस्या के साथ वापस जोधपुर के लिए निकल गया। रुद्र भी अपने घर के लिए निकल गया। दूसरी तरफ समर्थ भी काजल को लेकर गौर निवास पहुंच चुका था। वो उसको गाड़ी से उतार कर हाथ पकड़कर घर के अंदर लेकर आया। इस समय प्रभात गौर घर के हॉल में ही था और बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था।
समर्थ ने आते ही काजल को उसकी तरफ धकेलते हुए कहा, संभालो अपनी बिगड़ेल छोरी को। उसके ऐसा करने से काजल गिरने वाली थी, लेकिन प्रभात गौर ने उसे संभाल लिया। वो समर्थ पर बिगड़ते हुए बोला, हुकुम सा, माना कि मेरी बेटी गलत है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप इसके साथ ऐसा बर्ताव करोगे। ये आपकी पत्नी है, समर्थ ने उसे उंगली दिखाते हुए गुस्से में कहा। अभी तो मैंने थारी छोरी के साथ कुछ भी नहीं किया, पर अगर इसने मारे को ऐसे ही फिर गुस्सा दिलाया तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, जिसका अंदाजा तू अपने सपने में भी नहीं लगा सकता। उसकी बात सुनकर प्रभात गौड़ ने भी गुस्से में कहा, आप मेरी बेटी के साथ जो बर्ताव कर रहे हो ना, अगर इसके बारे में मीडिया को खबर लग गई तो देखना आपके साथ क्या होता है, आपकी मिनिस्टर की कुर्सी चुटकी में आपसे छिन जाएगी। समर्थ ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, धमकी देने की कोशिश भी मत करना प्रभात गौर, क्योंकि मैं कुछ भी करने से पहले धमकी नहीं देता। अगर मैंने अपना मुंह मीडिया के सामने खोल दिया ना, तो थारी इस बिगड़ेल छोरी के साथ साथ थारी इज्जत की भी धज्जियां उड़ जाएंगी। मैंने बस थारी छोरी के बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा कर रिपोर्ट मीडिया तक पहुंचानी है, फिर तू और थारी छोरी किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, समझा। इतना बोलकर समर्थ वहां से चला गया। दूसरी तरफ डीजे और केशु सिया को शेखावत मेंशन ले आए थे। वो दोनों सिया के साथ घर के अंदर हॉल में आए तो उन्होंने देखा कि यशोदा और शिव अभी हॉल में ही थे। उन्हें रुद्र ने फोन करके क्लब में जो भी हुआ सब बता दिया था, जिसे सुन वो काफी परेशान थे। जब यशोदा ने सिया को देखा तो झट से उसके पास आकर बोली, बेटा तुम ठीक हो? उसको देखकर सिया ने मुंह बनाते हुए कहा, आपको मेरे ठीक होने या ठीक ना होने से कोई फर्क पड़ता है क्या दादी सा? उसकी बात सुनकर यशोदा कुछ बोलने को ही तो सिया वहां से अपने कमरे में चली गई। उसके जाते ही केशु ने यशोदा से कहा, राजमाता वो थोड़े गुस्से में है, आप उसकी बात का बुरा मत मानिएगा, वो एक्चुअली क्लब में जो भी हुआ उसके बारे में हमें पता चल गया है केशु, रुद्र ने फोन किया था। शिव ने केशु की बात काटते हुए कहा। यशोदा ने शिव का साथ देते हुए कहा, हाँ बेटा, और मुझे पता है कि उसका गुस्सा सही भी है, मैं उसे सब समझा दूंगी, फिलहाल तुम दोनों भी जाकर अपने अपने कमरे में आराम करो। वो दोनों अपने अपने कमरे में चले गए, यशोदा भी अपने कमरे में चली गई। अगले दिन समर्थ एक स्कूल में आया था। वो इस समय स्कूल ऑडिटोरियम में स्टेज के सामने बैठा हुआ था और उसके साथ स्कूल का प्रिंसिपल बैठा हुआ था। स्टेज पर कुछ बच्चे डांस प्रैक्टिस कर रहे थे। स्कूल में कुछ दिनों में चिल्ड्रंस डे पर एक फंक्शन रखा गया था जिसकी तैयारियां चल रही थी, जिसका चीफ गेस्ट बनकर समर्थ आने वाला था, पर आज वो फंक्शन की तैयारियां देखने वहां आया था। उसके बॉडीगार्ड्स ऑडिटोरियम के बाहर खड़े हुए थे। वो बच्चों की डांस प्रैक्टिस देख रहा था कि तभी कुछ बच्चे दौड़ते हुए उसके सामने से स्टेज के ऊपर जाने लगे कि तभी उनमें से एक बच्चा लड़खड़ा गया। उस बच्चे को कोई नुकसान पहुंचता उससे पहले ही समर्थ ने उसे संभालते हुए कहा, संभल कर छोरा, प्रिंसिपल ने उस बच्चे को डांटते हुए कहा। शिवांग, ये क्या तरीका है स्टेज पर आने का, ऐसे दौड़कर कौन चढ़ता है स्टेज पर, अगर तुम्हें चोट लग जाती तो? वो बच्चा यानी शिवांग अभी भी समर्थ की गोद में ही था, लेकिन अब उसका मुंह उतर गया था। समर्थ ने जब उसको ध्यान से देखा तो शिवांग के प्यारे से चेहरे पर मासूमियत झलक रही थी। वो बच्चा बस 4 साल का था। समर्थ ने प्रिंसिपल को देखते हुए कहा, जाने दीजिए प्रिंसिपल सर, बच्चा है। छोरा सॉरी बोल दे सर को, शिवांग मासूमियत से बोला। सॉरी प्रिंसिपल सर, समर्थ की बात मानकर प्रिंसिपल ने उसे माफ करते हुए कहा, अब जाओ स्टेज पर। समर्थ शिवांग को स्टेज पर लेकर आया और उसको नीचे उतारकर मुस्कुराते हुए बोला, अब ध्यान से प्रैक्टिस करना, समझा। वो अभी शिवांग से बात कर ही रहा था कि तभी स्टेज पर प्रैक्टिस कर रहे बच्चों में से एक बच्चे ने उसे पुकारा, शिवांग यहाँ आओ, हमें साथ में प्रैक्टिस करनी है। उस बच्चे की आवाज सुनकर समर्थ ने जब उस बच्चे की ओर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। दूसरे बच्चे की उम्र भी 4 साल की थी। उसकी आंखें छोटी छोटी और काले रंग की थी। उसकी पलकें बड़ी बड़ी और हल्की सुनहरी काले बाल थे जो उसके माथे तक आ रहे थे। समर्थ ने हड़बड़ाते हुए शिवांग से पूछा, ये कौन है छोरा? शिवांग ने उसे जवाब देते हुए कहा, ये मेरा भाई है, मेरी बुआसा का बेटा, इसका नाम युवराज है। उसकी बात सुनकर समर्थ ने खुद से मन में सवाल किया, कौन है ये युवराज?
मणे ऐसा क्यों लग रहा है कि मणे इसे पहले भी कहीं देखा है? क्यों लग रहा है समर्थ को वो बच्चा जाना पहचाना? क्या रिश्ता है समर्थ का उस बच्चे से? कौन है वो शख्स जो रख रहा है सिया पर नजर? जानने के लिए सुनते रहिए भारी चांद कवर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।